उत्तर प्रदेश में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से सूबे की सत्ता पर काबिज होने जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ को फिर से सीएम चुने जाने को लेकर लखनऊ में विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में योगी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। 37 साल के बाद ये पहला मौका है जब यूपी का कोई मुख्यमंत्री दूसरी बार सत्ता पर काबिज होने जा रहा है। यूपी के कार्यवाहक सीएम एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की कमान संभालेंगे। विधायक दल की बैठक में वरिष्ठ सदस्य सुरेश खन्ना ने योगी आदित्यनाथ के नाम का प्रस्ताव रखा था। सरकार की नई सरकार गठन के लिए मुझे विधायक दल के नेता के रूप में आज यहां पर चुना गया है। मैं आभारी हूं आप सबका कि आप सब ने सर्वानुमति से इस प्रस्ताव को अपना समर्थन दिया है। मैं इसके लिए आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। 272 विधायकों ने योगी आदित्यनाथ को सीएम बनाए जाने पर अपनी सहमति जताई थी और फिर सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंच से ही साधुवाद देकर खुशी जाहिर की। टीम वर्क पर संरक्षण था आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय गृह मंत्री जी का, हमारे केंद्रीय नेताओं का, और एक अभिभावक के रूप में समय समय पर जिस रूप में बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं को प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने के इस अभियान को हम लोगों ने आगे बढ़ाया, वो हम तभी संभव हो पाया। विपक्ष और जितने भी ऐसे लोग थे देश और दुनिया में जो भारत की सुरक्षा, भारत की संप्रभुता या फिर भारत के हित के संवर्धन में सदैव आड़े बनते हैं, वे सब किसी न किसी रूप में इस चुनाव को प्रभावित करने की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में हस्तक्षेप करने की मुद्रा में थे। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति अटूट विश्वास, सबका साथ, सबका विश्व, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का जो ये मूल मंत्र है, इस मूल मंत्र ने अपना असर दिखाया और जनता जनार्दन ने कहा कि नहीं, हम अब वंशवाद की राजनीति में नहीं। बीजेपी के नव निर्वाचित विधायक भी विधानमंडल की बैठक में शामिल हुए। योगी आदित्यनाथ को विधायक दल का नेता चुने जाने की औपचारिकता पूरी हो चुकी है। राज्य में 3 डिप्टी सीएम भी बनाए जा सकते हैं, वही कई नेताओं का कद भी बढ़ाया जाएगा। माना जा रहा है कि योगी कैबिनेट में कुछ नए मंत्रियों की एंट्री हो सकती है, वही पुराने मंत्रियों को संगठन में भेजा जा सकता है। योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण काफी भव्य होगा। सीएम योगी के नए मंत्रिमंडल में कई नए चेहरों को जगह मिलने की संभावना है। वहीं सीएम योगी के भव्य शपथ ग्रहण समारोह में दूसरे बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेने से पहले अपने उस दौर को भी याद करना नहीं भूले योगी आदित्यनाथ। 2017 में तब तो मैं विधायक भी नहीं था, एक सामान्य सांसद था। मेरे पास कोई प्रशासनिक अनुभव नहीं था। मैं शासन के किसी भी दायित्व का तब तक निर्वहन नहीं किया था, लेकिन एक अभिभावक के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय गृह मंत्री जी ने, उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में इन महापुरुषों का एक अभिभावकत्व जैसा संरक्षण हम सब के ऊपर था और उसको हम लोगों ने प्रभावी ढंग से प्रदेश में लागू करने में हमें सफलता प्राप्त हुई। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू, मणिपुर के सीएम एन बीरेन्द्र सिंह, हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर, त्रिपुरा के सीएम बिप्लव देव, गोवा के सीएम प्रमोद सावंत, असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा, कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्बई, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर सिंह, बिहार की दूसरी डिप्टी सीएम रेणु देवी, नागालैंड के उप मुख्यमंत्री वाई पैटन, अरुणाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम चोना मीन, त्रिपुरा के डिप्टी सीएम जिष्णु देव वर्मा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह के लिए करीब 200 से ज्यादा वीवीआईपी मेहमानों को न्योता भेजा गया है और तो और वो लाभार्थी भी समारोह में शामिल होंगे जो बीजेपी की जीत के सारथी बने हैं।